इंडियन डिफेंस फोर्सेस में तीन सर्विसेज आती हैं, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। अब एनडीए और सीडीएस ऐसे एग्जाम्स हैं जिससे आप इन तीनों सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो, और इन एग्जाम्स के फॉर्म को फिल करते टाइम आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी होती है, और यहाँ पर काफी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये क्लियर नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट रहेगी। वैसे सर्विस प्रेफरेंस हर इंडिविजुअल को अपने आप ही सिलेक्ट करना होगा, पर आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जिसको कंसीडर करके आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी एस्पिरेंट को उसकी सर्विस प्रेफरेंस एग्जैक्टली क्लियर है तो वो भी अपने डिसीजन को इन पॉइंट से क्रॉस चेक करके अपने डिसीजन को और पक्का कर सकता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, स्पेशली इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर आपने इंजीनियरिंग कम्प्लीट कर ली है और आप टेक्निकली साउंड हो तो आपको टेक्निकल ब्रांच के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है और आप किसी और ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो माइट बी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने इफेक्टिव ना हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में की हो, पर आपको जल्द ही ये समझ में आ गया कि इस फील्ड से ज्यादा अच्छा मैं कहीं और परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इस केस में फर्स्ट पॉइंट इनवैलिड हो जाता है। पर अगर हम देखें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हमें बस ये क्लियर हो रहा है कि कौन सी ब्रांच हमें सिलेक्ट करनी चाहिए या कौन सी नहीं, पर सर्विस को लेकर अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि काफी सारी ब्रांचेस तीनों सर्विसेज में ही अवेलेबल हैं। इसलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज योर इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन। हो सकता है कि आपको एयरक्राफ्ट फैसिनेट करते हो, या वॉरशिप, या इवन टैंक्स। हो सकता है कि आपको बचपन से ही हवा में उड़ने का शौक हो, या पानी की गहराइयों में काम करने का। आपके ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्ट आपके फाइनल डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड दी लाइफस्टाइल इन ईच सर्विस। हर सर्विस में किस तरह का एक्सपोजर आपको मिल सकता है, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको कोई सर्विस दे सकती है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सर्विस ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, या किस तरह का लाइफस्टाइल कौन सी सर्विस दे सकती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है उसके बारे में और जानकर। हम बहुत ही जल्द आपके लिए यानी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हमारी रिकमेंडेड बुक्स, वेब सीरीज और मूवीज पर वीडियो ला रहे हैं। उन बुक्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का लाइफस्टाइल, एक्सपोजर या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको कौन सी सर्विस दे सकती है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि तीनों सर्विसेज में सिनर्जी को इंक्रीज किया जाए। मतलब हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी डिफेंस फोर्सेज एक साथ काम कर रही हो, इसलिए कौन सी सर्विस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी ब्रांच, क्योंकि ब्रांच के अकॉर्डिंग ही आपको काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर सही डिसीजन लें। वैसे आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है और उसके पीछे का रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।